रुपेश हत्याकांड पर सीएम नीतीश का आदेश, पुलिस को 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रुपेश हत्याकांड पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को घेरा, कहा सीएम से नहीं संभल रहा बिहार। कल जो हत्याकांड हुआ है उसकी हम लोग जो है मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो है हत्यारा पकड़ा जाए। कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं। रांची पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 16 जनवरी को झारखंड के लगभग 13,000 लोगों को लगेगा टीका। रांची में खुद वैक्सीन लेकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विश्वास में लेकर आगे बढ़ रही है और हम कोविड मुक्त झारखंड बहुत जल्दी बना लेंगे। कि देश की जनता को जो है फ्री में वैक्सीन होना चाहिए। अब ये वैक्सीन होगा कि आगे वैक्सीन होगा ये तो कौन बता सकता है, ये तो आगे की बात है। अरवल जिला के कलेर बाजार के मुख्य संयोजक मनोज सिंह यादव की अध्यक्षता में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान, इस दौरान बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन में काम करवाने की कही गई बात। अरवल में जिला पदाधिकारी ने कलेर मॉडल स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण, इस दौरान अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। सिवान, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी, तीनों जिलों के डीएम ने दी जानकारी। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच की, इस दौरान एक ट्रक जांच में अवैध रूप से शराब को किया जब्त। डीएम ने कहा अगर जिले में कोई भी शराब लाया उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने झारखंड को दिया झटका, राज्य के खाते से डीबीसी बकाए मद के 714 करोड़ काटे, वहीं इस पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जाहिर की नाराजगी, कहा राज्य सरकार जाएगी न्यायालय। रांची गर्मो स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान वन एवं पर्यावरण विभाग की क्रियाकलापों पर उठाए सवाल। अभी जो स्थिति है वन विभाग की, पिछली लगभग सरकार जब थी तो उन्होंने 2017 में 1200 बहाली की थी वन रक्षियों। कैमूर जिले के मोहनिया पुलिस ने यूपी के मुगलसराय से शराब पीकर अजरप्पा दर्शन करने जा रहे ग्राम प्रधान को शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में किया गिरफ्तार, भेजा हवालात। ये रात्रि की घटना है, टोल टैक्स पर दो आदमी हल्ला हुल्ला कर रहे थे तो उसी समय थाना को भेजा गया और काफी शराब के नशे में थे। फिर जो पकड़ा है उनका नाम है प्रकाश सिंह, ये सहजौर मुगलसराय के रहने वाले हैं, ये वहाँ का प्रधान है। कैमूर जिले के पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर पहली बार कोरोना काल में पैसेंजर ट्रेन का हुआ परिचालन, वही ट्रेन शुरू होने से यात्रियों में दिखी खुशी। मसौढ़ी के भगवानगंज थाना के कोरोना गांव में 3 दिन पहले गायब हुई विवाहिता का शव पुनपुन नदी के पास से हुआ बरामद, वही शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। मोकामा पुलिस ने एक विशेष अभियान का आगाज करते हुए 18 जुआरियों को दबोचा, बता दें गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में मिली सफलता। मुजफ्फरपुर में 4 युवकों ने किया नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, वही अपराधियों ने गैंग रेप के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए नाबालिग को घर में ही जिंदा जलाया, फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पहाड़पुर मनोरथ के हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, उनकी लड़की के जो है के साथ जो घटना घटी है उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन लेट से प्राप्त हुआ है हम लोगों को और जैसे ही प्राप्त हुआ उस पर FIR दर्ज कर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। नालंदा में छात्रा से गैंगरेप के मामले में दोषी करार, सभी 7 आरोपियों का आजीवन कारावास और 5,000 के आर्थिक दंड की भी सजा। बाढ़ में मकर संक्रांति नजदीक आते ही तिलकुट दुकानों पर उमड़ी भीड़, इस दौरान ग्राहकों ने तिलकुट की खरीदारी भी की। गोपालगंज में जिला फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, इस दौरान मौके पर मुख्य अतिथि गोपालगंज SDO उपेंद्र पाल और सदर SDPO नरेश पासवान रहे मौजूद। सहरसा में कर्पूरी छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा छात्रों ने नामांकन में की गई रुपए की उगाही की जांच करने को लेकर छात्र संगठन ने कल्याण पदाधिकारी को दिया आवेदन, इस दौरान छात्र संगठन के छात्र नेता रहे मौजूद। लातेहार के बालूमाथ में अपहरण के बाद हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने मीडिया से बातचीत कर दी जानकारी। लातेहार के चंदवा में टोरी चेतर के बीच रेलवे ट्रैक से क्षत विक्षत अवस्था में मिला युवक का शव, फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला जिले में चोरों का आतंक, कपाली उप क्षेत्र अंतर्गत ताज नगर में बेखौफ चोर एक घर से नगद 10,000 समेत 2 मोबाइल लेकर हुए फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।